हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इजी लाइफ विद वर्षा में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिन लोगों का वेट, मतलब बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि हम बहुत खाते हैं, ऐसा नहीं है कि हमको भूख नहीं लगती, खाते हैं पर हमारा वेट बढ़ता नहीं है। तो आज का वीडियो उन्हीं लोगों पर है कि जिन लोगों का वेट नहीं बढ़ता है, तो वो क्यों नहीं बढ़ता है, अंदर से उनको कोई प्रॉब्लम है या वो जो भी खा रहे हैं वो सही तरीके से नहीं खा रहे, इस वजह से उनका वेट नहीं बढ़ रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा आप सबको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिन लोगों का वेट नहीं बढ़ रहा है उनके लिए सिंपल सा पहले कुछ मैं टिप्स बताना चाहूँगी, कुछ तरीके उनके कि उनको किस तरीके से खाना है तो और क्या खाना है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो 4 से 5 बार खाते हैं और उसके बावजूद भी उनका वेट नहीं बढ़ता है। तो सबसे पहले अपने खाने के तरीके को बदलें। अगर उनको वेट बढ़ाना है तो हाँ, प्रोटीन वाली चीज़ें, थोड़ा सा वसा वाली चीज़ें खाएं। तो जैसे कि जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है तो उनको अपने खाने में कैलोरीज ज़्यादा इन्वॉल्व करनी है, प्रोटीन ज़्यादा इन्वॉल्व करना है। तो और साथ ही साथ खाना जैसे 5 बार 6 बार 7 बार खा रहे हैं दिन भर में, तो उसको एक तरीका बनाइए। जैसे कि आप सुबह नाश्ता कर रहे हैं, फिर दोपहर में 3 बार, तो हर कोई नाश्ता खाना और फिर डिनर करता है, लंच करता है, तो ठीक है कि आप 3 से 4 बार खा रहे हो, पर एक मील लीजिए, प्रॉपर मील लीजिए। ये नहीं कि कभी थोड़ा सा सैंडविच खा लिया, फिर थोड़े से भुने हुए चने खा लिए, फिर उसके बाद दोपहर को दाल राइस खा लिया, फिर उसके बाद रात को रोटी सब्जी। ऐसे नहीं करना है, ये 5-6 मील नहीं होता है। अगर आप मील ले रहे हो 5-6, तो प्रॉपर मील लेना है आपको। जैसे कि मॉर्निंग में थोड़ा सा जो लोग एग वगैरह खाते हैं तो वो एग ले लें, या फिर मतलब एक कंप्लीट मील पराठे वगैरह ले लीजिए। तो पेट भर के एक बार में, पेट भर के आप 4 बार खाना खाइए, लेकिन पेट भर के अच्छे से। और बार 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 ये चीज़ मत कीजिए। ये कहने के लिए होता है पर इससे किसी तरीके का वेट बढ़ता नहीं है, उल्टा आपका वेट धीरे धीरे कम हो जाता है। क्योंकि लोग कहते हैं कि 5 बार 6 बार खाना खाने से या बाकी चीज़ें जो भी आप खा रहे हो दिन भर उससे वेट बढ़ता है, ऐसा नहीं है। थोड़ा 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 डॉक्टर भी बताते हैं आप 2 घंटे में खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए। वो क्या होता है ना, वो अच्छे से आपको हजम हो जाता है, कहाँ चला जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। तो अगर आपको वेट बढ़ाना है, थोड़ा बहुत वेट बढ़ाना वैसे अच्छी चीज़ नहीं है, पर जिनका बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है उनके लिए मैं बता रही हूँ कि एक प्रॉपर मील लीजिए, और आपको भूख भी लगती है तो आप वेट कीजिए, तुरंत कुछ मत खाइए। उसके बाद जब आपको बहुत ज़्यादा अब आपको खाना है, मतलब आपने बहुत थोड़ी देर वेट कर लिया है कि हाँ भाई अब तुरंत आपका मन कर रहा है, आपने ये खा लिया वो खा लिया, आपको पता है जब हमें भूख लगती है ना, तो आपने अगर एक पीस मिठाई भी खा ली उसके बाद आपने एक गिलास पानी पी लिया तो आपका पेट भर जाता है। तो इस तरीके से मत खाइए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, उससे आपके आपका जो वेट है वो बढ़ेगा नहीं, उल्टा और कम ही होने वाला है। तो और हो सकता है कि अंदर कुछ प्रॉब्लम भी हो या बहुत टाइम से, तो कुछ लोगों का जेनेटिक भी होता है। तो साथ ही अब मैं बात करूँ कि किस चीज़ से आपका वेट बढ़ सकता है क्या खाने से। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है किशमिश। किशमिश को आप 3-4 तरीकों से खा सकते हैं। या तो आप भिगा के खा लीजिए, किशमिश को भिगा दीजिए, उसके बाद आप उसको ऐसे ही खा के पानी पी लीजिए। या फिर आपको सबसे अच्छा तरीका है कि आप दूध में किशमिश को अच्छे से बॉयल कर लीजिए और थोड़ा सा खजूर ले आइए। किशमिश और खजूर दोनों को मिक्स करिए, उनको बॉयल कर लीजिए अच्छे से और वो दूध पीजिए रात को और सुबह नाश्ते में। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आप भुने हुए चने लीजिए, उसके साथ किशमिश खाइए, इससे भी वेट गेन में बहुत हेल्प मिलती है, वेट बहुत जल्दी बढ़ता है। लेकिन किशमिश से और खजूर से वेट बहुत बढ़ता है। तो आप ये फॉर्मूला ट्राई कर सकते हैं कि किशमिश और खजूर को दोनों को बॉयल करके उसको आप यूज़ कर सकते हैं दोनों टाइम पर। साथ ही साथ किशमिश को आप क्या कर सकते हैं, किशमिश का हलवा बना सकते हैं। मतलब आप अपने खाने में किशमिश इंक्लूड कीजिए, इससे आपके वेट गेन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ कुछ फैट घी है, मतलब जो भी वसा वाली चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया आलू है,
बादाम है, ये सारी चीजें आप खाइए, घी खाइए, थोड़ा ऑयली चीजें भी आप खा सकते हैं, पर उतना ही खाइए कि नुकसान ना करें। लेकिन अगर आपको वेट बढ़ाना है तो आप अपने खाने में अंडा, किशमिश, खजूर, दूध, और दूध गाय का नहीं भैंस का होना चाहिए, घी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, तो शुगर वगैरह, तो इन सारी चीज़ों से आपका वेट बढ़ सकता है। तो ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको हेल्प मिली या नहीं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।